जितने लोगों का सम्मान होते हुए हाँ, अरे बहुत शांत वातावरण में इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन विधानसभा सहारनपुर में शुरू हो चुका है। हाँ, पहलवान सूचना, पहलवान सूचना है, जितने लोग मंडल केसरी में अपना वजन कराए हैं वो सभी लोग या मैट उपस्थित प्रतियोगिता हो रही है, ये मतलब कि इस तरह की प्रतियोगिता हमेशा होना चाहिए, इससे लड़कों को प्रैक्टिस मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और रिसेंटली अभी हम यूपी चैंपियनशिप करा रहे हैं 15 वर्षीय गोरखपुर में, और इस तरह का प्रतियोगिता हर जगह होना चाहिए। विगत कितने सालों से आयोजन किया जा रहा है ये प्रतियोगिता? ये यहाँ पे तो पहली बार हो रहा है, विगत काफी वर्षों से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेल के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, प्रधानमंत्री जागरूक हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। उन्हीं के प्रयास से खेलो इंडिया शुरू हुआ है, जिसमें खेलो इंडिया में अच्छे से प्रतिभान खिलाड़ियों को लिया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, खिलाड़ियों को बहुत सुविधा मिली है, अब खेल में भी बहुत आगे बढ़ गए इंटरनेशनल। प्रतियोगिता के विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये प्रतियोगिता के विषय में कहना है कि इसमें जो है टाइटल बाउट वगैरह हो रहा है, और होना चाहिए अच्छी प्रतियोगिता, लड़कों को मतलब कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कहाँ कहाँ से बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए हुए? इस प्रतियोगिता में पूरे पूर्वांचल के बच्चे आए हैं, बनारस, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, पूर्वांचल के बच्चे आए हैं। अभी तक कितने बच्चे प्रतिभाग ले चुके हैं? अब तक करीब 150-160 प्रतिभाग चुके, लड़के लड़कियां मिला के। जिलों से आए हैं उसके विषय में बताइए। बताते ना, आजमगढ़ है, जौनपुर है, गाजीपुर है, भदोही है, बनारस है, और चंदौली है, और एक दो जिलों से और आए हैं। युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया, युवा खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बढ़िया से मेहनत करें, लगन से करें, और हमेशा यही लेके उतरे कि हमको कल यही तक नहीं रहना है, हमको और आगे बढ़ना है। ऑल इंडिया इंटरनेशनल स्तर पर हमें पहुंचना है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे।